आप सभी को नमस्कार। मैं जिलाजीत द्विवेदी, डायरेक्टर जय एग्रीकल्चर क्लासेस। इस वैश्विक महामारी में COVID-19 जिससे पूरा विश्व जूझ रहा है, और इसका एक ही इलाज है कि हम लोग घर पर ही रहें। तो घर पर रहकर कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, इसका हम आज प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों तक जानकारी पहुंचता रहे। खासकर जो भी बच्चे ईयरली वाले हैं, उनका तो एग्ज़ाम बिल्कुल से नज़दीक आ गया था, लेकिन एग्ज़ाम हो नहीं पाया है। लेकिन जो बच्चे सेमेस्टर वाले थे, सेमेस्टर एग्ज़ाम का पेपर हो गया है, केवल कुछ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम बाकी है, वो हो सकता है। लेकिन लॉकडाउन खुलने तक शायद सेमेस्टर एग्ज़ाम का भी डेट आ जाएगा। ऐसी स्थिति में कैसे हम सेकंड सेमेस्टर की तैयारी कर सकते हैं, वह कोर्स क्या है, उस विषय पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। जो सेकंड सेमेस्टर का कोर्स है आपका फंडामेंटल ऑफ क्राप फिजियोलॉजी, ये आपका फर्स्ट पेपर है, जो AG 201, ये आपका कोर्स टाइटल है। दूसरा आपका है फंडामेंटल ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री, जिसमें आपको पादप प्रसारण के बारे में अध्ययन करना है। तीसरा आपका है फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी, इसमें आपको कीट विज्ञान के बारे में अध्ययन करना है। इसके बाद में फिर आपका फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, ये आप है कृषि अर्थशास्त्र के बारे में आपका जानकारी अध्ययन करना है। आगे आपका है फिर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, कार्बनिक खेती कैसे करते हैं, ये आपका अगला पेपर है, मिस पांचवा पेपर है। इसके बाद में फिर आपका है फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, मींस पादप रोग विज्ञान कैसे, इसके बारे में कोई इसका पूरा फंडामेंटल जानकारी आपको प्राप्त करना है। अगला है कि प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ वेजिटेबल एंड स्पाइसेस, इसका प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी कैसे है, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड एजुकेशन, इसके बारे में भी आपको जानना है कि कृषि प्रसार शिक्षा का पूरा फंडामेंटल अध्ययन आपको इस विषय के अंतर्गत करना है। अगला है फूड प्रोसेसिंग, ये आपका है कि सेफ्टी इशू क्या क्या इसके हैं, और फिर फूड प्रोसेसिंग आप कैसे कर सकते हैं। अगला आपका है कि ह्यूमन वैल्यू, ये आपका नॉन ग्रेडियल कोर्स है, इसमें आपको थ्योरी नहीं पढ़ना है, केवल इसमें आपका प्रैक्टिकल होगा, इसमें क्रेडिट का नहीं है। इसमें आपका जो पहला पेपर, दूसरा पेपर, तीसरा पेपर, ये 3 क्रेडिट का है, और फिर आपका थर्ड और फोर्थ, ये 2 क्रेडिट का है। फिर एक आपका जो फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी है, ये आपका फंडामेंटल प्लांट पैथोलॉजी आपका 4 क्रेडिट का है, उसके बाद में 2 क्रेडिट, 3 क्रेडिट, इस तरीके से ये आपका कोर्स का पूरा टाइटल है। इसमें सबसे पहले आपको मैं एक विषय के बारे में चर्चा भी, थोड़ा सा सिलेबस के बारे में हम लोग चर्चा भी कर लेते हैं कि आपको क्या पढ़ना है। इसमें सबसे पहला आपका है कि फंडामेंटल ऑफ क्राप फिजियोलॉजी, तो फंडामेंटल ऑफ क्राप फिजियोलॉजी में आप क्राप फिजियोलॉजी, उसका इम्पॉर्टेंस इन एग्रीकल्चर, कृषि में उसका क्या महत्व है, फंडामेंटल ऑफ क्राप फिजियोलॉजी का, इसका आपको पूरा अध्ययन करना है। उसके बाद में फिर प्लांट सेल, पादप कोशिका के बारे में आपको अध्ययन करना है, और उसके बाद में ओवरव्यू ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है कि डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और फिर एडजॉर्प्शन, फिर आपको ट्रांसपायरेशन एंड स्टोमेटल फिजियोलॉजी, फिर मिनरल न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट फंक्शंस, इसका क्या रोल प्लांट में है, इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी प्राप्त करना है। इसके बाद में फिर डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है, इसका डिफिशियंसी सिम्टम्स प्लांट में कैसे दिखता है, कि अगर किसी तत्व की कमी होती है तो उसका क्या लक्षण दिखाई देता है, वो चीज आपको पूरा अध्ययन करना है। आगे आपका है कि न्यूट्रिएंट अपटेक एंड मिनरलाइजेशन, न्यूट्रिएंट अपटेक कैसे, न्यूट्रिएंट अपटेक होता है,
कैसे न्यूट्रिएंट प्राप्त होता है पौधों को, ये चीज आपको पूरा अध्ययन करना है। उसका अवेलेबल फॉर्म क्या है, अवेलेबल फॉर्म आपको ध्यान देना है। जैसे अवेलेबल फॉर्म में एक दो एग्जांपल आपको बता देता हूँ, जैसे सपोज कर नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन मुकल फॉर्म में, नाइट्रेट फॉर्म में, इस तरीके से पौधा उसको अटैक करता है। इसके बाद में फिर फोटोसिंथेसिस, लाइट एंड डार्क रिएक्शन, इसमें आपको C3 साइकिल, C4 साइकिल, कैम्प साइकिल, प्लांट, इसके बारे में आपको पूरा अध्ययन करना है। इसके बाद में फिर आपको रिस्पायरेशन, ग्लाइकोलिसिस ऑफ TCA साइकिल, और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन, इसके बारे में भी आपको अध्ययन करना है। फैट मेटाबॉलिज्म, फैटी एसिड और सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन, कैसे उसका संश्लेषण होता है और कैसे टूटता है, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। फिर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, कौन कौन से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं उसके बारे में, इसमें आपको पढ़ना है फिजियोलॉजिकल रोल एंड एग्रीकल्चर यूजेज, इसका फिजियोलॉजिकल रोल क्या है, दैहिक क्रिया में, पौधों के दैहिक क्रिया में इसका क्या रोल है, और इसी के साथ साथ एग्रीकल्चर यूजेज, कृषि में इसका क्या रोल है, कृषि में इसका क्या योगदान है, इसके बारे में आपको पूरा देखना है। उसके बाद में फिर आपको देखना है कि फिजियोलॉजिकल पार्ट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मेजर क्रॉप, इसका मेजर क्रॉप में ग्रोथ और डेवलपमेंट, वृद्धि विकास में इसका क्या मेजर ग्रोथ एनालिसिस कैसे करेंगे, इसके एनालिसिस के बारे में आपको भी पूरा अध्ययन करना है। उसके बाद में रोल ऑफ फिजियोलॉजिकल ग्रोथ ग्रोथ या आपका प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, इसके बारे में भी आपको, इसका प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी पर इसका क्या इफेक्ट है, ये आपका फर्स्ट सिलेबस है, सेकंड सेमेस्टर का जो फर्स्ट पेपर है, मीन्स AG 201, ये आपका 3 क्रेडिट है, 2 क्रेडिट इसमें आपका थ्योरी है और 1 क्रेडिट ये आपका प्रैक्टिकल एग्जाम का है। तो ये आपका था फर्स्ट पेपर क्रॉप फिजियोलॉजी। सेकंड पेपर में फंडामेंटल ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ये जो आपका फंडामेंटल ऑफ बायोकेमिस्ट्री, इसमें आपको बायोकेमिस्ट्री के बारे में आपको जानना है, ये आपका AG 202, ये भी आपका 3 क्रेडिट का कोर्स है, इसमें आपका 2+1, 2 क्रेडिट आपका थ्योरी और 1 क्रेडिट आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है। बायोकेमिस्ट्री, इसका आपका जीव रसायन, बायो जीव और केमिस्ट्री रसायन, जीव रसायन के बारे में आपको पूरा उसका फंडामेंटल जानकारी आपको प्राप्त करना है। सबसे पहले इसमें आपको जानना है कि इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री का महत्व क्या है, उसके बाद में फिर प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, pH एंड बफर, pH और वाटर, इसका पूरा प्रॉपर्टी आपको जानना है उसको। उसके बाद में फिर आपको जानना है कि इंपॉर्टेंस एंड क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेकेराइड्स, इसका क्लासिफिकेशन और इसका स्ट्रक्चर मोनोसेकेराइड, आपको पता होगा कि मोनोसेकेराइड, तो आप कार्बोहाइड्रेट का अध्ययन करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, ये 3 भागों में उसको विभाजित करते हैं। मोनोसेकेराइड, मोनो मींस अकेला, मींस एक, सेकेराइड मींस सुगर, मतलब जिसमें सुगर के मॉलिक्यूल हो, वो आपका मोनोसेकेराइड के स्थिति में आता है। मोनोसेकेराइड में जैसे आपका गैलेक्टोज, ये आपका मोनोसेकेराइड, ग्लूकोज मोनोसेकेराइड, दूसरा आपका है डाइसेकेराइड, डाई मींस 2 सेकेराइड मींस सुगर, मतलब जो 2 सुगर से मिलकर बना हो, मतलब जो जल जल अपघटित होकर, जैसे सपोज करिए कि ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज टू लैक्टोज, ये आपका डाइसेकेराइड है। लैक्टोज क्या है, लैक्टोज ये एक मिल्क सुगर है जो केवल नेचुरली केवल मिल्क में ही पाया जाता है, ये आपका है
क्या डाइसैकेराइड। ऐसे आपका तीसरा जो आता है वो आपका है पॉलीसैकेराइड, पॉली मतलब कई सारे, जिसमें जल अपघटित होकर के और सैकेराइड के कई उसमें पाए जाते हैं, वो आपका क्या है डाइसैकेराइड। ये आपका डाइसैकेराइड का, तो सॉरी पॉलीसैकेराइड का। अब पॉलीसैकेराइड में आपका क्या ऐसा है जिससे स्टार्च, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, ये सब आपका पॉलीसैकेराइड के कार्डिंग में आता है। इसके बाद में फिर आपको इसमें जानना है कि रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग प्रोटीन्स ऑफ मोनोसैकेराइड, इसके बारे में आपको जानना है। और इसके बाद में फिर म्यूटा रोटेशन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड्स, मतलब दोनों का स्ट्रक्चर देखना है, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मतलब डाइसैकेराइड के अंतर्गत क्या क्या आता है और पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत क्या क्या आता है, सबका सूत्र एक ही होता है, बस केवल सबका स्ट्रक्चर चेंज होता है, ये चीज आपको जानना है। इसके बाद में फिर लिपिड्स, लिपिड्स का आपका जानना है इंपॉर्टेंस, मतलब लिपिड्स का क्या महत्व है। उसके बाद में फिर क्लासिफिकेशन, लिपिड्स का क्लासिफिकेशन आपको जानना। क्लासिफिकेशन के बाद फिर आपका स्ट्रक्चर एंड इंपॉर्टेंट ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड का महत्व क्या है और इसका स्ट्रक्चर में संरचना, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। फिर इसके बाद में स्टोरेज ऑफ लिपिड्स, इसका आप कैसे इसका स्टोरेज करेंगे, कैसे इसका संग्रह करेंगे, इसके बारे में आपको जानना है। अगला टॉपिक इसमें आपका है कि प्रोटीन, प्रोटीन में भी वही चीज कि प्रोटीन का इंपॉर्टेंट जानना है और फिर प्रोटीन का क्लासिफिकेशन, ये भी आपको पढ़ना है कि प्रोटीन का क्लासिफिकेशन और प्रोटीन का महत्व। इसके बाद में और प्रोटीन का वर्गीकरण, फिर स्ट्रक्चर, इसके बारे में आपको जानना है। फिर स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर के बाद में फिर आगे आपको जानना अमीनो एसिड, अमीनो एसिड में आपको अमीनो एसिड का भी स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशन और फिर ये चीज आओ उसका क्या यूज है, इसका यूजेस भी आप पढ़ेंगे। इसके बाद में एंजाइम, एंजाइम का जनरल प्रॉपर्टीज क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मतलब उसकी क्रियाएं कैसे होती हैं, एंजाइम की क्रियाविधि, इसका भी मैकेनिज्म आपको पूरा अध्ययन करना है। उसके बाद में फिर आप पूरा उसका पढ़ने के बाद फिर आप आगे आपको डीएनए, आरएनए, इस सब के बारे में भी आपको पूरा अध्ययन करना है। इसका पढ़ने के बाद फिर आप मेटाबॉलिज्म की तरफ आ जाएंगे, तो मेटाबॉलिज्म में आपने जैसे कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म का ब्रेकडाउन कैसे होता है, और अगर एक तरीके से आप देखें तो जो आपका फर्स्ट पेपर है क्राफ्ट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, ये दोनों को कहने के आपस में एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। इसमें कुछ टॉपिक आपको बायोकेमिस्ट्री का क्राफ्ट फिजियोलॉजी मिलेगा, क्राफ्ट फिजियोलॉजी का कुछ टॉपिक आपको बायोकेमिस्ट्री में मिलेगा। तो इस तरीके से आपका इसमें पढ़ना है कि कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन कैसे होता है, फैट का ब्रेकडाउन, मतलब पूरा मेटाबॉलिज्म पूरा कैसे क्रियाएं होती हैं, और इसी तरीके से आप फैट के साथ साथ आप प्रोटीन का, लिपिड्स का, ये सब आप पूरा उसका मेटाबॉलिज्म और सिंथेसिस, सिग्निफिकेंस, ये सब के बारे में भी आपको पूरा पढ़ना। तो ये आपका था ओवरऑल बायोकेमिस्ट्री का कोर्स, मिस फंडामेंटल ऑफ बायोकेमिस्ट्री। धन्यवाद। इसी के बाद अगले वीडियो में आपको अगले पेपर के बारे में देंगे जानकारी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कि जिससे BSCAG सेकंड सेमेस्टर के बच्चों को अधिकतम जानकारी हम देने की कोशिश करेंगे। सभी लोगों को धन्यवाद।